सब्सक्राइब करें टेक आईटी के फंडे चैनल को और इस बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको नए लेटेस्ट अपडेट हमारी तरफ से मिलते रहे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक आईटी के फंडे में। आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या होती है और इसमें जो है किस तरह से आप अपने व्यवसाय के लिए लोन ले सकते हो और इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई है और क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं जब आप लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो और लोन के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है उसका शुभारंभ हमारे देश के वित्त मंत्री द्वारा 8 अप्रैल 2015 को किया गया था। युवाओं में कौशल विकास को बढ़ावा देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है हमारे देश के नौजवान लोगों को उद्योग में सहायता करना एवं कौशल विकास के आधार पर रोजगार को बढ़ावा देना है। इस योजना से लोगों को वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना का जो नाम है जिसमें आप मुद्रा यह जो शॉर्ट फॉर्म देखते हो इसका मतलब होता है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रेफिनेंस एजेंसी यानी मुद्रा लोन। इस योजना के माध्यम से सरकार वित्तीय समस्या से जूझ रहे छोटे उद्योगों को वित्तीय सहायता देकर युवाओं को खुद के पैरों पर खड़ा करने का एक मौका दे रही है। इस योजना में असंगठित क्षेत्र के व्यवसाय तथा लघु व्यवसायों को सस्ती ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही नया व्यवसाय करने के लिए इस योजना के तहत युवाओं को बिना किसी गारंटी के लोन मिलने का प्रावधान है। देश में आज नए उद्योगों को चालना देने के लिए बड़े उपक्रम की घोषणा स्किल इंडिया योजना के साथ चलाई जा रही है। खासकर निचले तबके से आने वाले बहुत से लोग बैंकिंग प्रणाली से ज़्यादा साहूकारों पर कर्ज लेने के लिए निर्भर हैं। साहूकार अपने भरी भरकम ब्याज की किस्त लगाकर लोगों को ठगने का काम करते हैं, जिसके चलते कोई भी उद्योग पैसों की कमी के कारण नहीं चल पाता। इसी वजह से गांव में बसे हमारे देश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनमें बसे कौशल का उपयोग देश की प्रगति में करने हेतु इस योजना का निर्माण किया गया है। भारत सरकार की संस्था नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के 2013 के सर्वे के अनुसार देश में 5,77,00,000 लघु उद्योग मौजूद है, जिनमें कुल 1,25,00,000 लोग जो है असंगठित तरीके से काम करते हैं। इस रोजगार के क्षेत्र को मजबूती देना सरकार का लक्ष्य है। उसी के साथ बढ़ती बेरोजगारी को कम करने के लिए और नए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए यह योजना जो है वो बहुत कारगर साबित होगी। इस रोजगार के क्षेत्र को मजबूती देना सरकार का लक्ष्य है। उसी के साथ साथ बढ़ती बेरोजगारी को कम करने और नए रोजगार के अवसर को बढ़ाने के लिए यह योजना जो है कारगर साबित हो रही है। हमारे देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा वर्ष 2015-16 के बजट भाषण में जो मुद्रा लोन की घोषणा जो है वो की गई थी, उसके बाद सरकार ने इस योजना पर अमल करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 अप्रैल 2015 को 20,000 करोड़ रुपए के कोष को राष्ट्र को समर्पित किया। इस कोष के साथ 3,000 करोड़ रुपए के लोन की गारंटी को जोड़ दिया गया। योजना के मुख्य उद्देश्य, इस योजना में एक संस्था का निर्माण किया गया है जिसमें जो उद्देश्य इस योजना के तहत रखे गए हैं उसमें यह संस्था जो है भागीदारी करती है, जिसमें वो छोटे फाइनेंस कंपनी जो लोन देने के लिए काम करती है और ऐसे संस्था और उसके वित्त प्रणाली का नियमन करके और उसके सक्रिय भागीदारी को मजबूत बनाने के साथ स्थिरता प्रदान करने का काम इस योजना में किया जाता है। सूक्ष्म वित्तीय संस्था होती है जैसे अन्य एजेंसियां जो छोटे कारोबार, दुकानदार, स्व सहायता समूहों आदि को वित्तीय लोन उपलब्ध कराते हैं, उनको इस योजना के तहत वित्त व लोन संबंधी जो है सहयोग करना। उसी के साथ सभी माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को पंजीकृत करना और उनके प्रदर्शन के आधार पर उन वित्तीय संस्थानों को रेटिंग देना। इस सूची से संस्था का आकलन करना आसान होता है और जिससे लोन लेने वाले को श्रेष्ठ MFI चुनने में मदद होगी। यह समिति मुद्रा लोन लेने वालों को बिजनेस के संबंध में दिशा निर्देश करेगा, जिससे किसी भी बिजनेस को
संकट से उबरने में मदद मिलेगी। साथ ही अगर कोई डिफॉल्ट स्थिति में आ जाए, पैसे की वसूली में भी सहयोग किया जाएगा। मुद्रा क्रेडिट गारंटी स्कीम का निर्माण करके छोटे व्यापारियों को या फिर छोटे व्यवसाय को लोन की गारंटी दी जाएगी। मुद्रा लोन लेने और देने की प्रक्रिया को सुलभ बनाया जाएगा, जिसके लिए प्रभावी तकनीक लगाई जाएगी। छोटे व्यवसायिक लोगों के लिए एक उपयुक्त ढांचा तैयार किया जाएगा, जिसकी मदद से मुद्रा बैंक से मिलने वाले लोन को एक प्रभावी माध्यम से विकसित किया जा सके। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी, जिसे मुद्रा कहा जाता है। हिंदी में मुद्रा का मतलब होता है धन, धन यानी पैसे से होता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना और उसके साथ रोजगार के अवसर को बढ़ाना है। ऐसे उद्योगों को धन की मदद करना जिनको पैसे की कमी के चलते अपने उद्योग में घाटा झेलना पड़ता है। छोटे कुटीर उद्योगों को बैंक से लोन मिलना बहुत मुश्किल होता है। बैंक के जटिल नियमों को पूरा करना छोटे उद्योगों के लिए बड़े मुश्किल का काम होता है और इसी वजह से छोटे उद्योगों को बढ़ने में समस्या होती है। इस योजना के तहत जो है छोटे उद्योगों को मजबूत बनाने के साथ साथ इस योजना के माध्यम से महिलाओं को सक्षम बनाना, यह भी एक जो कार्यक्रम है इस योजना के तहत जो है अस्तित्व में आया है। प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना के लिए पात्रता किस प्रकार है? इस योजना में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो है सहभागी हो सकता है जिसमें उस व्यक्ति के नाम पर कोई भी उद्योग अगर है। इसमें किसी के साथ आप पार्टनरशिप भी कर सकते हो। इसके लिए आपको सही दस्तावेजों की पूर्ति करनी होती है। छोटी सी यूनिट के लिए मुद्रा योजना के तहत आप लोन ले सकते हो। मुद्रा योजना के तहत किस प्रकार लोन मिलेगा यानी लोन कैसे मिलेगा? अगर कोई भी भारतीय नागरिक मुद्रा योजना के तहत लोन लेना चाहता है तो उसे कुछ शर्तों का पालन करना अनिवार्य है। सबसे पहले मुद्रा योजना के बारे में आपको आपके नज़दीकी बैंक में जाकर मुद्रा योजना का फॉर्म लेना होगा। मुद्रा फॉर्म को भरकर उसके साथ मांगे गए सभी दस्तावेज की पूर्तता करनी होगी। साथ ही उस व्यवसाय से जुड़ी विस्तृत जानकारी आपको बैंक को लिखित स्वरूप में देनी होगी, जिसमें व्यवसाय का स्वरूप, खर्चा, कितने लोगों को रोजगार मिल सकता है, इसके बारे में आपको जानकारी देनी होगी। इसके बाद बैंक की ओर से दी गई सभी औपचारिक बातों की पूर्तता आपको करनी होगी। सभी औपचारिक बातों की पूर्तता करने के बाद आपको लोन के लिए बैंक से संपर्क बनाए रखना होगा। इसके बाद ही आपको लोन मंजूर होगा। इस योजना से जुड़ने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लिए आपको कुछ कागजात की पूर्तता करनी होती है, जिसमें आपको आवेदन फार्म के साथ जो यह कागजात जो है वो जोड़ने होते हैं, वह इस प्रकार है। पहचान के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इनमें से किसी भी एक डॉक्यूमेंट का आप स्वसत्यापित प्रत जो है आपको देनी होगी। निवास प्रमाण के लिए आपको वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, टेलीफोन बिल, इनमें से किसी एक चीज़ को आपको स्वसत्यापित करके जो है यह कागज़ देना होगा। आवेदक अगर अनुसूचित जाति जनजाति से या पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो इसके लिए उनको जाति प्रमाण पत्र की स्वसत्यापित प्रत देना अनिवार्य है। आपके व्यवसाय से जुड़ा लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र, स्वामित्व की प्रतिलिपि साथ में जोड़ना आवश्यक है। आवेदक पर किसी भी बैंक का डिफॉल्टर न हो और साथ ही किसी भी बैंक का बकाया न हो, यह सुनिश्चित हो जाए। और इसके लिए आपको नो ड्यू सर्टिफिकेट देना पड़ सकता है। आवेदक अगर 2 लाख रुपए से ज़्यादा का लोन लेना चाहते हैं तो ऐसे सूरत में आवेदक को पिछले 2 साल का इनकम टैक्स रिटर्न और बैलेंस शीट की प्रतिलिपि देना अनिवार्य है। अगर आवेदक किसी बड़े बिजनेस को लगाना चाहता हो या फिर अपने पुराने बिजनेस को बढ़ाना चाहता हो, ऐसे व्यवसाय के संबंध में परियोजना की रिपोर्ट को प्रस्तुत करना होगा। इस रिपोर्ट में बैंक को आपके व्यवसाय के तकनीक और आर्थिक स्थिति की जानकारी जुटाने में मदद होती है। आवेदक को चालू वित्त वर्ष में उसके इकाई द्वारा की जाने वाली बिक्री और मुनाफे घाटे का जो पूरा ब्यौरा है वो देना होता है। अगर आवेदक का
कंपनी या फिर पार्टनरशिप फर्म है उससे संबंधित डीड या मेमोरेंडम की प्रतिलिपि देना अनिवार्य है। आवेदक को आवेदन के साथ में अपने दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जोड़कर देना अनिवार्य है। अगर आवेदक का कंपनी या पार्टनरशिप फर्म है ऐसे समय में सभी निदेशकों को दो दो पासपोर्ट साइज फोटो देना अनिवार्य है। मुद्रा योजना का वर्गीकरण। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के तहत लोन लेने वाले स्कीम को तीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। इस वर्गीकरण के आधार पर विभिन्न व्यवसायों के चरण है। पहले चरण में कारोबार शुरू करने वाले लोग हैं। दूसरे चरण में मध्यम स्थिति में कारोबार करने वाले लोगों को वित्तीय मजबूती देना और तीसरे चरण में उन कारोबारों को शामिल किया गया है जो कारोबार को बढ़ने के लिए अधिक धन की तलाश में होते हैं। इन तीनों वर्गों को लोन की जरूरत पूरा करने के लिए मुद्रा राशि को बांटा गया है, जिसमें शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण लोन इस तरह के नाम देकर इसका वर्गीकरण किया गया है। शिशु लोन जो है इसके अंतर्गत 50,000 तक के लोन दिए जाते हैं। किशोर लोन जो है इसके अंतर्गत 50,000 से 5,00,000 तक के लोन दिए जाते हैं। तरुण लोन जो है इसके अंतर्गत 5,00,000 से 10,00,000 तक के लोन दिए जाते हैं। मुद्रा लोन योजना के तहत जो है लाभ उठाने के लिए सभी प्रकार के व्यवसाय को समाविष्ट किया गया है, जिनमें बड़े बिजनेस, पेशावरों, सेवा क्षेत्र को शामिल किया गया है। इनमें सभी फल सब्जी विक्रेता, रेहड़ी वाले, हेयर कटिंग सलून, छोटे दुकानदार, ब्यूटी पार्लर, होकर, साइकिल बाइक कार रिपेयरिंग करने वाले, ट्रांसपोर्टर, मशीन ऑपरेटर, ट्रैक ऑपरेटर, दस्तकार, शिल्पी, पेंटर, खाद्य प्रसंस्करण, होटल्स, सहकारी संस्थाएं, लघु और कुटीर उद्योग आदि उद्योगों को शामिल किया गया है। मुद्रा लोन के तहत भविष्य में कुछ सुविधाएं लोन प्राप्त करने वालों को दी जाती है, जिनमें मुद्रा कार्ड, निवेश लोन गारंटी, लोन सीमा में बढ़ोतरी, सभी लाभार्थियों को आधार कार्ड डेटाबेस से जोड़ना, साथ ही जनधन खाते से जोड़ना, लोन ब्यूरो की स्थापना करना, मिक्स मार्केट जैसे संस्थाओं का विकास करना, यह जो सारे उद्देश्य है इस योजना में आते हैं। अब जानेंगे मुद्रा लोन से मिलने वाले लाभ। देश की आर्थिक स्थिति को भक्कम करने के लिए छोटे से छोटे व्यापारियों का विकास होना जरूरी है। इसके लिए उन्हें इस योजना से बल देना आवश्यक है। बिजनेस को बढ़ने से पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे और जिससे देश की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। ऐसे उद्योगों को बढ़ावा देना जिसकी मदद से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। छोटे और कुटीर उद्योगों का ज्यादा प्रमाण होने की वजह से ज्यादा आर्थिक रोजगार उपलब्ध होते हैं। छोटे व्यापारियों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और जिसकी वजह से प्रतियोगिता की जो भावना है वो उत्पन्न होगी और उनकी प्रगति में सहायक साबित होगी। देश के विकास के लिए गरीब से गरीब तबके का विकास होना जरूरी है और इसी वजह से छोटे उद्योग को चलाना बेहद जरूरी है। अब जानते हैं लोन कैसे मिलेगा। सभी राष्ट्रीय बैंक में प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी जानकारी और लोन के लिए आवेदन फॉर्म आपको आसानी से मिल जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्रधानमंत्री आवास योजना से लोन प्राप्त करने के लिए आप भी आपके नजदीकी बैंक में जाकर जानकारी ले सकते हैं। SBI से लोन लेने के लिए आपको सभी तरह के कागजात की पूर्तता करनी अनिवार्य है और पूरी जांच पड़ताल के बाद ही लोन दिया जाता है। इसलिए बैंक जाने से पहले अपने सभी दस्तावेज को जांच ले और साथ में लेकर जाए। देश के सभी युवाओं के लिए भारत सरकार का यह उपक्रम सराहनीय है, पर बहुत जगह पर केवल आवेदन करने के बाद जो फॉर्म को जो है ऐसे ही रखा जाता है और लोन पास होने में बड़ी दिक्कतें आ रही है। इस समस्या का समाधान हो जाए तो शायद हर एक नौजवान का अपने पैरों पर खड़ा होने का सपना पूरा हो जाए और आने वाले दिनों में भारत एक सशक्त आर्थिक देश बनकर उभरे, यही कामना। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको अगर इस योजना के बारे में और कुछ जानना है तो मुझे कमेंट ज़रूर करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।